हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बेटा आज हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है आज हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में ये तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं, इनका मल्टीप्लिकेशन करके आपको ये मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। सबसे पहले बेटा इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। किस तरह से होता है बेटा? ये रो है, उसका बेटा इन तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई। क्या कहा मैंने बेटा? इस रो का इन तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस साइन आता है। देखिए किस तरह से होगा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं, इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई, रो का कॉलम में मल्टीप्लाई, ए का एक्स में मल्टीप्लाई ए एक्स, बीच में क्या आएगा प्लस, वाई का एच में मल्टीप्लाई एच वाई, बीच में क्या आएगा प्लस, जेड का जी में मल्टीप्लाई जी एच। ये हो गया बेटा रो का कॉलम में मल्टीप्लाई। अब बारी बेटा इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, इसकी बारी कैसे करेंगे? एक्स का एच में मल्टीप्लाई एच एक्स, बीच में प्लस आया, वाई का बी में मल्टीप्लाई बी वाई, बीच में प्लस आया, जेड का एफ में मल्टीप्लाई, ठीक है बेटा इसकी बारी खत्म। अब बेटा इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगा, कर देते हैं, x का g में मल्टीप्लाई जी एक्स, बीच में प्लस आया, y का f में मल्टीप्लाई एफ वाई, बीच में प्लस आया, z का c में मल्टीप्लाई जेड सी। हमने क्या करा बेटा? हमने इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये मैट्रिक्स बचा है, इसको लिख लेते हैं। अब बेटा इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे होगा? इस रो का बेटा इस कॉलम में मल्टीप्लाई, बीच में क्या आएगा प्लस। चलिए कर देते हैं बेटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान देना बेटा, ए एक्स का एक्स में मल्टीप्लाई ए एक्स स्क्वायर, ये प्लस एच वाई का एक्स में मल्टीप्लाई एच एक्स वाई, प्लस जी जेड का बेटा एक्स में मल्टीप्लाई जी एक्स जेड। बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया। अब क्या करेंगे बेटा? इसका इसमें मल्टीप्लाई, ठीक है, बीच में क्या आता है प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे, एच एक्स का बेटा वाई में मल्टीप्लाई एच एक्स वाई, प्लस बी वाई का इस वाई में मल्टीप्लाई बी वाई स्क्वायर, प्लस जेड एफ का वाई में मल्टीप्लाई जेड एफ वाई, ठीक है। अब बेटा इसकी बारी भी हो गई। अब बच्चों इसका मल्टीप्लाई इस जेड में होगा, बीच में क्या आएगा प्लस, तो प्लस लगा लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करते हैं, जी एक्स का जेड में मल्टीप्लाई जी एक्स जेड, एफ वाई का जेड में मल्टीप्लाई एफ वाई जेड, जेड सी का जेड में मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर सी, ठीक है। अब देखो बेटा इन्हें जमा लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर लिखा, फिर बेटा बी वाई स्क्वायर, फिर बेटा सी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान दो, टू एफ वाई जेड चाहिए, तो ये आपका एक एफ वाई जेड और ये बेटा आपका दूसरा एफ वाई जेड, ये हो गया ट्वाइस एफ वाई जेड, ठीक है। अब क्या चाहिए? टू जी एच एक्स, तो ये देखिए एक ये एक ये, कितने हो गए ट्वाइस हो गए, तो टू जी एक्स जेड हो गया, ठीक है। अब बेटा इन दोनों को भी जोड़ो, एच एक्स वाई एच एक्स वाई जुड़ गए, टू एच एक्स वाई,
इस तरह से बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, क्या ले आए बेटा? राइट हैंड साइड ले आए, और आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर बताना था। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया है, आपको बच्चों ये प्रूफ करना है। अब ध्यान देना बेटा, हम इस क्वेश्चन को किस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व करेंगे? हम बेटा एन की जगह आर प्लस वन रखेंगे। बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले एन की जगह वन रखेंगे और देखेंगे ये बेटा संतुष्ट हो रहा है या नहीं। पूरी बात सुनो, फिर आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर बेटा एन की जगह टू रखेंगे, फिर देखेंगे ये प्रूफ हो रहा है या नहीं। इसके बाद बेटा हम एन इक्वल टू एन प्लस वन रखेंगे, और बेटा ये क्या हुआ? प्रूफ हुआ। क्वेश्चन एन की जगह एन प्लस वन रखने से प्रूफ हुआ, तो बेटा एन रखने पर भी प्रूफ होगा। और इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्या मतलब हुआ इसका? यदि आप एक ज्यादा पे प्रूफ कर रहे हो तो बेटा एक कम पे ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाता है। ये है बेटा इस क्वेश्चन का लॉजिक। आर प्लस वन पे हम प्रूफ करेंगे, ऑटोमेटिक एक कम आर पे प्रूफ हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेटा एन की जगह वन रखते हैं। यहाँ आप एन की जगह वन रखोगे तो बेटा ये हो जाएगा वन प्लस टू थ्री। यहाँ वन रखोगे वन, यहाँ वन रखोगे माइनस फोर, यहाँ वन रखोगे माइनस वन। ठीक है, आप ध्यान दो, एन इक्वल टू वन पे बेटा ये दिया था उन्होंने। ठीक है, ये देखिए आप ले आए, यहाँ वन ही है। इसका मतलब आपने क्या बता दिया? एन इक्वल टू वन पे ये आपने प्रूफ कर दिया। अब बच्चों हम एन की जगह टू पुट कर देते हैं। एन इक्वल टू टू पुट करेंगे, ए स्क्वायर आएगा। ध्यान देना बेटा, यदि आप यहाँ टू रखोगे तो टू इंटू टू फोर प्लस वन फाइव, यहाँ टू रखोगे तो ये टू, यहाँ टू रखोगे माइनस एट, यहाँ टू रखोगे माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, ये आया। अब बेटा हम ये चेक करते हैं कि ये रियल में आएगा या नहीं, ये बेटा एन इक्वल टू टू पे प्रूफ होगा या नहीं। किस तरह से? ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलता है? ए इंटू ए से। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा, ए क्या है? ये रहा आपको दिया है थ्री वन माइनस फोर माइनस वन। अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे क्या ये मैट्रिक्स बन रहा है। यदि बना तो हम कहेंगे ये क्या हो गया? शो हो गया, प्रूफ हो गया एन इक्वल टू टू के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं किस तरह से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ हम बेटा दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन भी सीख लेंगे। देखिए रो का बेटा इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, बीच में क्या आएगा? प्लस साइन। किस तरह से? ये देखिए, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, थ्री में थ्री का मल्टीप्लाई नाइन, बीच में प्लस आता है, माइनस फोर का वन में मल्टीप्लाई माइनस फोर। क्या करा बेटा? इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस। ठीक है, अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, बीच में प्लस, थ्री का माइनस फोर में मल्टीप्लाई माइनस ट्वेल्व, बीच में क्या लेना है? प्लस। माइनस फोर का माइनस वन में मल्टीप्लाई फोर। ठीक है बेटा, इस रो का इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब बारी किसकी? अब इस वाली रो की इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई होगा। किस तरह से? वन का थ्री में मल्टीप्लाई थ्री, बीच में प्लस आया, माइनस वन का वन में मल्टीप्लाई माइनस वन। ठीक है, इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई हो गया। अब इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई, वन का माइनस फोर में मल्टीप्लाई माइनस फोर प्लस, बीच में माइनस वन का माइनस वन में मल्टीप्लाई प्लस वन।
अब सॉल्व कर देते हैं बेटा। अगली स्टेप में बेटा ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस, ठीक है, और ये माइनस फोर। अब सॉल्व कर ले, ये कितना हो गया फाइव, ये हो जाएगा आपका टू, घटाइए ये माइनस एट, ये घटाइए माइनस थ्री। आप ध्यान दीजिए आपने ए स्क्वायर क्या निकाला, ये मैट्रिक्स, और बेटा यहाँ आपने एन इक्वल टू टू रखा था तब भी बेटा आपको यही मैट्रिक्स मिला। हम क्या लिख सकते हैं, एन इक्वल टू टू पर हमने क्या कर दिया, ये प्रूफ कर दिया, लिख देते हैं एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू पे भी हमने प्रूफ कर दिया। अब बच्चों हम n इक्वल टू आर प्लस वन पुट करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a की पावर r प्लस वन, n की जगह बेटा यहाँ r प्लस वन रखोगे, सॉल्व करो, वन प्लस टू आर प्लस वन, ये वन, ये हो गया टू आर प्लस टू, ये टू आर, और ये बेटा हो गया थ्री। सॉल्व करके लिख दिया ये माइनस फोर, इस एन की जगह आर प्लस वन रखना है, ये माइनस फोर आर, ये बेटा माइनस फोर, लिख देते हैं माइनस फोर आर माइनस फोर। अब इस एन की जगह आर प्लस वन, इस एन की जगह भी आर प्लस वन रख देते हैं, ये माइनस टू आर, ये माइनस का टू, ये माइनस टू आर, इनको घटाइए माइनस का वन, यहाँ एन की जगह आर प्लस वन रखोगे ये आएगा, ठीक है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक, तो हम बेटा इसे लेके चलते हैं और ये ले आते हैं, प्रूफ हो जाएगा ए की पावर आर प्लस वन, इसे तोड़ के लिख लो, ए की पावर आर और ए की पावर वन, ठीक है, ए की पावर आर का मतलब क्या बेटा, एन की जगह क्या रखा होगा आर, तो ए की पावर आर आ जाएगा, रख देते हैं वन प्लस टू आर हो गया, यहाँ आर रखा, यहाँ आर रखा, यहाँ पे आर रखा, और मल्टीप्लाई किसका करना है, ए का, ए क्या है बेटा थ्री वन माइनस फोर माइनस वन। अब मल्टीप्लाई कैसे होगा बेटा, इस रो का इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई होगा, ध्यान देना इसका इसमें मल्टीप्लाई बेटा, इसका इसमें होगा, सबसे पहले बीच में क्या आएगा प्लस साइन, कर देते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे वन का थ्री में मल्टीप्लाई थ्री, प्लस टू आर का थ्री में मल्टीप्लाई सिक्स आर, बेटा इसका इसमें करा, बीच में प्लस आया, माइनस फोर आर का वन में मल्टीप्लाई माइनस फोर आर, हमने बेटा इस रो का इस कॉलम में मल्टीप्लाई करा। अब बच्चों इस रो का इस कॉलम में करो बेटा, इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, वन का माइनस फोर में मल्टीप्लाई माइनस फोर, प्लस टू आर का माइनस फोर में मल्टीप्लाई माइनस एट आर, ठीक है, बीच में क्या आता है प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, फोर आर का वन में मल्टीप्लाई फोर आर, ठीक है बेटा, आपने इस रो का इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी इस रो का इन दोनों कॉलम में मल्टीप्लाई, आर का थ्री में मल्टीप्लाई थ्री आर, बीच में आता है प्लस, बेटा वन माइनस टू आर का वन में मल्टीप्लाई वन माइनस टू आर, ठीक है, अब बेटा इसका इसमें मल्टीप्लाई, ये होगा माइनस फोर आर, बीच में प्लस आता है, इसका इसमें करोगे वन का माइनस वन में मल्टीप्लाई माइनस वन, माइनस टू आर का वन में मल्टीप्लाई प्लस टू आर, ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस हो गया माइनस, अब सॉल्व कर लेते हैं,
ये 3 और 6 आर में से 4 आर घट गए 2 आर, ये 1 और ये 3 आर में से 2 आर घट गए आर, तो आर प्लस 1। अब बेटा इन दोनों को घटाओगे ये होगा माइनस का 4 आर और ये माइनस का 4, माइनस 4 आर में प्लस 2 आर जुड़ गए कितने बनेगा माइनस का 2 आर और ये माइनस का 1। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स क्या आ गए बराबर। इस तरह से बेटा आपने क्या प्रूफ करा, n इक्वल टू r प्लस 1 पे ये प्रूफ कर दिया। तो कब होगा n इक्वल टू r प्लस 1 पे ट्रू, जब बेटा ये n इक्वल टू r पे भी ट्रू। तो इस तरह से बेटा हमने ये शो करा, प्रूफ करा।